नमस्कार दोस्तों Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं अमेरिकन राइटर एक्सपोज्ड ऑन मिस्ट्री CIA हैड मर्डर्ड साइंटिस्ट होमी भाभा एंड फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री इस संदर्भ में एक दावा किया गया है अमेरिकन ऑथर ग्रेगरी डगलस के द्वारा अपनी बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में जिसमें कहा गया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ऑर्गेनाइज किया था असोसनेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट होमी भाबा एंड अवर फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस चीज को एक्नोलेज किया है रॉबर्ट क्राउली ने क्राउली के नाम से ही आई थिंक यहाँ पर क्रो शायद यूज किया होगा उन्होंने टाइटल में अपनी बुक में रॉबर्ट उस समय डायरेक्टरेट ऑफ उप ऑपरेशन के पद पर थे सीआईए के मतलब सेकंड इन कमांड थे सीआईए में जब इनकी मृत्यु हुई इनकी रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन को एक बुक की फॉर्म दी गई है इज विद जिसमें ये दावा किया गया है अब जो मिस्ट्री है बिहाइंड द डेथ्स ऑफ बिहाइंडर होमी भाबा एंड लाल बहादुर शास्त्री जी ये आज तक एक मिस्ट्री है हमारे लिए ताज में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु क्या वाकई एक नेचुरल डेथ थी हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उनका मर्डर हुआ था इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारी रिपोर्ट्स कुछ चीजों को दबाया गया इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं पास्ट में भी लेकिन अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरफेस हो रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और फिर से वो इस मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर होमी भाबा और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ्स नेचुरल डेथ्स नहीं थी बल्कि प्लान मर्डर थे क्यों प्लान किया गया ऐसा ताकि भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके क्या है पूरा विषय इसी के बारे में बात करते हैं पहले मैं आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट और फाउंडर हैं न्यू इंडियन की आरती टिक्कू जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए और साथ में उन्होंने लिखा है सीआईए होमी एंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ये कन्फेशन है रॉबर्ट क्राउली के जो कि सेकेंड इन कमांड थे सी के डायरेक्टोरेट में इन अ बुक बाय ग्रेगरी डगलस और ऐसी जो ये जो कहा गया है कन्फेशन इसमें यह भी कहा गया है सीआई ऑफिसर के द्वारा कि ये जो किलिंग्स थी ये जो मर्डर किए गए ये किए गए थे भारत को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पैरालाइज करने के लिए दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड देयर जिसमें काओ लवर जैसे सेंटेंस की बात की गई है काओ लवर जैसी बात की गई है दे वर गोइंग टू बी ग्रेट पावर इन दी वर्ल्ड की बात की गई है ऐसा मेंशन किया गया है होमी भाभा के नाम पर कहा गया है ही वॉज डेंजरस बिलीव मी उसके बाद उनके एक्सीडेंट को लेकर जब जिक्र किया गया उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का कमर्शियल फ्लाइट थी वो उसके बारे में बात की गई उस पर उन्होंने कहा कि वी वी कुड हैव इट ओवर वियना वियना जा रहे थे होमी भाभा उस समय बट डिसाइडेड द हाई मच बेटर फॉर द बिट्स एंड पीसेज टू कम डाउन मतलब ये बेहतर रहा कि माउंटेन्स पे उनको क्रैश किया गया बॉम्ब उसमें आया उनके कार्गो में साथ में आगे वो मेंशन करते हैं विनील शास्त्री एज वेल अनादर का भी जिक्र किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में इसके बाद उन्होंने एशिया के राइस क्रॉप को खत्म करने की बात भी की है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं आगे यहाँ पे सीआईए ऑफिसर को कोट किया गया कहते हुए कि हम अमेरिका सी आई ए काफी ट्रबल में थे ये जानकर कि भारत 1960 के दशक में काफी ज्यादा एग्रेसिवली एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए काम कर रहा था और इस सब में रशिया उनको सपोर्ट कर रहा था जब होमी बाबा को रेफर किया गया तो उसमें वो कहते हैं दैट वन वॉज डेंजरस बिलीव मी उनको वो काफी खतरनाक मानते हैं और कहते हैं कि भाई उनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में जब वो वियना जा रहे थे एक और समस्या खड़ी करने राइट वोइंग सेवन जीरो सेवन जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी हैड अ बॉम्ब गो ऑफ इन द कार्गो होल्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इट वॉज फ्लैंड यहां मैं आपको बता दूं कि 1948 में अटोमिक एनर्जी कमीशन के स्टैब्लिशमेंट के बाद होमी भाभा ने रिकॉग्नाइज किया था वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर वेपन कि कितने आवश्यक है न्यूक्लियर वेपन जिस संबंध में उन्होंने एक आइडिया दिया था कि भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाया जाना चाहिए द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को जिन्होंने इस विषय को आया गया कर दिया या रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ठीक है मतलब इस पर बहुत ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई लेकिन इसके बाद समय बदला भारत ने बदलते समय में काफी एग्रेसिवली काम करना शुरू किया न्यूक्लियर वेपनरी पे आफ्टर 1962 सीनो इंडियन वॉर एंड दी 1964 फाइव वॉर बासठ और पैंसठ के युद्ध के बाद भारत ने बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना शुरू कर दिया था 1965 में होमी भाबा ने ऑल इंडिया रेडियो पर डिक्लेयर किया कि वो भारत को एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बना सकते हैं केवल अट्ठारह महीने के समय में अगर उनको यह मौका दिया जाए तो जिसके बाद हमारे तब प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक्सेप्ट किया के आइडिया को और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से पुश मिला शुरुआत हो गई 1965 की बात है ये ध्यान रखिए इसके एक साल के अंदर ही 11 जनवरी 1966 पाकिस्तान के साथ एक समझौता पीस ट्रीटी हुई ताशकंद में उसके बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई दाशकेंद में जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और शास्त्री जी की मृत्यु के केवल तेरह दिन बाद भाबा वॉज ऑल्सो किल्ड इन फ्लाइट क्रैश नियर माउंट ब्लैंक ऑन जनवरी ट्वेंटी फोर नाइनटीन so, तो यहाँ से हमें पूरा क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये क्यों किया गया और अगर आप वो डॉक्यूमेंट अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया वहां पर क्या लिखा था क्लियर so आइडिया इतना ही नहीं रॉबर्ट आगे बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री वॉज ऑल्सोर यू डोंट नो अबाउट में नहीं पता है बॉम्ब बनाने के बहुत नजदीक थे वॉट इफ दे किल देर डेडली पाक एनिमीज और क्या हो सकता है बॉम्ब बनाकर वो अपने पाक एनिमीज को किल कर देते ये कहा साथ में यह भी कहा गया कि उस समय सीआईओ प्रिपेयरिंग टू डिस्ट्रॉय राइस कल्टिवेशन फ्रॉम एशिया राइस कल्टिवेशन यहाँ पर एक स्टेपल डाइट की तरह है तो लोगों को भूखा मारने की तैयारी भी थी उस समय रॉबर्ट आगे कहते हैं कि उन्होंने एक डिजीज डेवलप कर दिया था जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता राइस कल्टिवेशन को एशिया में इस डिजीज की मदद से राइस पूरी तरह से एशिया के मैप से हट जाता क्योंकि एक मेन फूड है स्टेपल डाइट है लोगों का यहां तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये साजिश थी सी के द्वारा चलिए जल्दी से होमी भाबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं होमी भाबा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने ही कंसीव किया था एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भारत में जहांगीर बाबा उनके पिताजी थे होमी भाबा को होमी जहांगीर बाबा के नाम से भी भाबा के नाम से भी जानते हैं दे केम फ्रॉम अ पारसी फैमिली ऑफ मुंबई जहांगीर बाबा एक वेल नोन नोन लॉयर थे उस समय करेक्ट उनकी शुरुआती एजुकेशन कैथेड्रल कैथीड्रल स्कूल में हुई जॉन कैनन स्कूल में हुई मुंबई में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उसके बाद वो अपनी आगे स्टडीज करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए इंग्लैंड चले गए वहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पास किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसके बाद उन्होंने कॉस्मिक रेस के बारे में पढ़ाई की जर्मनी में एंड देन ही केम बैक टू इंडिया नाइनटीन और उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में बैंगलुरु में उनका इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूजिक स्कल्पचर्स पेंटिंग और डांस में भी था उसके बाद इनकी हैं uh, बुद्धिमत्ता को देखते हुए या इनके कैलिबर को जानते हुए नोटेड साइंटिस्ट एंड नोबलट सी वी रमन सर सी वी रमन ने इनको कॉल किया अपने साथ काम कराया और वो इनको कहते थे लियोनार्डो ड विंसी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक स्कल्पर पेंटिंग एंड डांस एक्सेट्रा नाइनटीन में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया ट्रॉम्बे में बॉम्बे के पास 1967 में होमी भाभा की मृत्यु के बाद इसको रीनेम कर दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनकी मृत्यु जैसा कि मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1966 में एक प्लेन क्रैश में हुई जिसकी मिस्ट्री आज हम पढ़ रहे थे जल्दी से सीआईए के बारे में भी जान लेते हैं सीआईए एक यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस किस पर फॉरेन कंट्रीज और ग्लोबल इश्यूज पर टू द प्रेसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं ताकि वो नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन ले सके दिस इज सी आई ए अब अगर भारत के केस की अब मिस्ट्री की हम बात करें तो ये एक लौता ऐसा मुद्दा नहीं है ऐसी मिस्ट्री नहीं है जहां पर सीआई का इन्वॉल्वमेंट है अकॉर्डिंग टू विजय प्रसाद उनकी बुक में उन्होंने मेंशन किया है उनकी बुक है बुलेट्स हिस्ट्री ऑफ सी आई ए कूपिशन जहां पर उन्होंने कुछ कुछ दिए हैं, हैं। जिसमें से एक दो मैंने यहां पर किए ईरान में एक रिफॉर्म माइंडेड गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट कूप स्टैब्लिश किया जिससे उन्होंने नेशनलाइज द ब्रिटिश ओन्ड ऑयल इंडस्ट्री जिसके द्वारा ऐसा किया उन्होंने 1960 -70s में, लेफ्टविंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया ब्राजील में उसके अलावा द डोमिन रिपब्लिक एंड चिली और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया गया सीआई के द्वारा यूएस हमेशा ही इंश्योर करता था करता रहा है दैट ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस और डेवलपमेंट ये सब कंट्रोल किए जाए यूएस के द्वारा यूएस डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन के द्वारा करेक्ट अमेरिकन डॉलर बिकेम द सेंट्रल करोबल इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो सो केवल भारत के साथ जो हुआ इज नॉट दस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आई वुड वॉन्ट यू टू राइट इन दी कॉमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है या आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन से कूब्स आप मुझे मैंशन कीजिए कॉमेंट सेक्शन में जो सी आई के द्वारा किए गए हैं कुछ रिसेंट्स भी है मैंने आपसे पूछा है कि और कौन से आपको ऐसे कूब्स याद है या आपको पता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपकी क्या राय है इस पूरी मिस्ट्री को जो एक तरह से एक नया डायरेक्शन मिली है या कहा गया है इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू